दोस्तों आज 5 मार्च को रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो दोनों ही मोबाइल लॉन्च कर दिए गए हैं इंडिया के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं रियलमी के इन मोबाइल्स की, तो मैं ये कहूँगा कि ये जस्टिफाइड नहीं है इसके प्राइस के हिसाब से। तो सारी बातें हम आपको बताएंगे। शुरुआत कर लेते हैं इसके डिस्प्ले से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसके डिस्प्ले की, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम आपको जितने भी वीडियोज़ प्रोवाइड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। आपको यहाँ पर 6.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो कि IPS LCD है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। तो यहाँ पर जैसे कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि भाई प्राइस पढ़ेंगे सुपर एमोलेड मिल सकती है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। IPS LCD डिस्प्ले ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, लेकिन यहाँ पर ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले मिली है। जी हाँ, कैमरा आपको कोई नोच वगैरह नहीं मिलती, यहाँ पर सिर्फ पंच होल कैमरा दिया गया है सेल्फी में। तो ये पूरी फुल व्यू डिस्प्ले आपको मिल जाती है एक तरह से मैं कहूँ तो, और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, ये बात सही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की और इसके लुक की, तो बैक साइड का इसका लुक बिल्कुल ट्रेडिशनल है, जैसा पहले आता था हमेशा से वैसा ही है, लेकिन सिर्फ कलर चेंज हुआ है। और लोग कलर चेंज करने को ये कह रहे हैं कि हमने डिज़ाइन पर काफ़ी मेहनत की है, तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है। बाकी डिज़ाइन ओवरऑल मैं कहूँ तो ठीक ठाक है, बुरा नहीं है, लेकिन फ्रंट साइड से फ़ोन काफ़ी आपको इम्प्रेसिव लगता है। स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन कौन से वेरिएंट की मिलती है ये क्लियर नहीं किया गया लॉन्च इवेंट के अंदर। बाकी हम बात करें यहाँ पर जो इसकी बॉडी है, तो पूरी पॉलीकार्बोनेट की बॉडी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसका जो कैमरा डिपार्टमेंट है। जी हाँ, बैक साइड में आपको 4 कैमरे का सेटअप मिलता है हमेशा की तरह, 64+8+2+2। तो 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, सैमसंग का सेंसर आपको मिलता है, शायद सोनी का मिल जाता तो और बेटर होता। सेकंड कैमरा आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है, जिससे आप 119 डिग्री तक की फोटो क्लिक कर सकते हैं, वाइड एंगल लेंस है। बाकी 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग और 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो कैमरा सेटअप ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेड हो, जैसा था वैसा ही आया है यहाँ पर। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा मिल जाता है, और साथ में आपको फुल HD प्लस वीडियो आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आप 120 FPS की स्लो मोशन वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। चलिए, ये तो हमारे कैमरा डिपार्टमेंट की बात रही। मैं कहूँ तो ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट काफ़ी बेटर है, बुरा नहीं है। अगर बात की जाए प्रोसेसर की, तो यहाँ मीडियाटेक का हेलियो G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है। उम्मीद थी कि G90 मिलेगा, क्योंकि G90T यहाँ पर मिला, क्योंकि G90 केवल 48 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करता है। G90 वर्सेज G90T वो वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखी देख लीजिएगा। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया उस पर, 1K से ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं अब तक, थैंक यू वेरी मच। बाकी आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, प्राइवेट में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें इसके जो कोर्स है वो A76 की कोर्स हैं, तो लेटेस्ट थी, मतलब लेटेस्ट से थोड़ा एक जनरेशन पहले की हैं, और प्रोसेसर काफ़ी पुराना हो चुका है, ऐसा नहीं कि नया है, लगभग 6 मंथ ओल्ड हो चुका है लगभग। तो इसके अलावा हम बात करें तो ये प्रोसेसर हमें इस समय मीडियाटेक का G90T जो है वो रेडमी नोट 8 प्रो में देखने को मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं कि बहुत ही शानदार गेमिंग परफॉर्मेंस ये हमें प्रोवाइड करता है। स्पेशली अगर आप पबजी के शौकीन हैं तो आपको बिल्कुल भी फ्रेम रेट देखने को नहीं मिलेगा, और आपको एक ऑसम एक्सपीरियंस मिलने वाला है गेमिंग के रूप में। तो गेमर्स के लिए ये फ़ोन बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिला है GPU मालिका G76 जो क्लॉक हो सकता है 800 MHz तक। अंतुति स्कोर की बात करें तो रियलमी ने क्लेम किया था कि भैया हमारा जो प्रोसेसर है वो बहुत ही शानदार है और ये कम से कम 290K तक जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो मोबाइल पर निकल के आया है अंतुति स्कोर वो आया है लगभग 270K, तो जो कि काफ़ी बेटर है और परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। एंड्रॉयड 10 यहाँ पर आपको मिल जाता है देखने के लिए, साथ में रियलमी UI का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिला हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पर बैटरी की, तो 4300 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी मिली है, साथ में आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर मिला है, जो रियलमी ने क्लेम किया है कि 30 मिनट में आपकी बैटरी को 62% चार्ज कर देगा, और 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी। तो दैट्स अ गुड थिंग कि 1 घंटे के अंदर मोबाइल फुल चार्ज, आधे घंटे में 60% चार्ज, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जल्दी में मोबाइल लगाया, सिर्फ आधे घंटे चार्ज किया और कहीं भी निकल गए, पूरा दिन आपको आराम से बैटरी बैकअप मिल सकता है। बाकी इसके अंदर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड मिल जाता है, 3.5 mm जैक मिल जाता है, और साथ में यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है वो इस बार बैक साइड में निकल करके साइड माउंटेड मिलता है। जी हाँ, साइड में आपको इस बार फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जैसा कि हमें Poco X2 में मिला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है, ऐसी बात नहीं, उसकी भी काफ़ी फास्ट है, बुराई नहीं हुई है, काफ़ी तारीफ हुई है। अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो वो भी 90Hz की डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलती है, भले ही LCD डिस्प्ले है लेकिन 90Hz की है, दैट्स गुड थिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। जी हाँ, मेन थिंग अबाउट प्राइस, स्पेसिफिकेशंस
बहुत अच्छे हैं, ये नहीं कहूँगा कि बेकार स्पेसिफिकेशंस हैं, लेकिन किसी भी फ़ोन की हम तारीफ तब करते हैं जब उसके प्राइस देख लेते हैं, या फिर बुराई भी तब करते हैं जब उसके प्राइस देख लेते हैं। इसके प्राइस जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड थे, जैसे मैंने आपको बताया 464 वाला जो वेरियंट है वो आपको मिलेगा 12999 का, जी हाँ पूरे पूरे 13,000 रुपये का। अगर 6128 वाले वेरियंट की बात करें तो आपको मिलेगा 14999 का, और 8128 आपको मिलेगा 15999 का। तो मैं कहूँ कि अगर ये फ़ोन मेरे हिसाब से या फिर आपके हिसाब से भी, अगर मैं ये कहूँ कि ये लगभग 11,500 का था या फिर 11,000 का था, या फिर इवन अगर ये 12,000 रुपीज़ का मोबाइल भी आता और साथ में ये 664 लेकर के आता तो बेटर थिंग हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल ये मैं कहूँगा 1,000 या फिर 1,500 रुपीज़ ओवर प्राइस्ड है। और मैं ये कहूँगा रियलमी के हिसाब से कि रियलमी अभी मार्केट में इस्टेब्लिश हुआ है, उसकी अच्छी मार्केटिंग चल रही है, तो ये मोबाइल आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। ये कहूँगा कि ये जो ऑफलाइन के चक्कर में पड़ गए हैं तो इस वजह से ये फ़ोन महंगा हुआ है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको एक दिन में मिल रहा है, तो आप कम से कम ऑफलाइन वाले रिटेलर को भी 1,000 या 1,500 रुपये तो मार्जिन के रूप में चाहिए ही चाहिए, तभी वो मोबाइल्स को बेचते हैं, या फिर आपको सलमान खान को भी पैसे देने हैं, तो इस वजह से इन्होंने इस फ़ोन की प्राइस ज़्यादा रखी गई है। बाकी हम सब जानते हैं कि वीवो ओप्पो ये सब भाई भाई हैं आपस में, क्योंकि इनके जो ग्रैंड पेरेंट कंपनी है वो है इसकी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, और रियलमी भी उन्हीं का प्रोडक्ट है, तो हम ये कह सकते हैं खानदानी खून दौड़ रहा है रियलमी के रगों में भी, और ओवर प्राइस्ड उनकी पहले से आदत है तो इनकी भी बनती है। बाकी आप बताइए कि आपको ये फ़ोन ओवर प्राइस्ड लगा या नहीं लगा। मैं तो यही कहूँगा कि इस फ़ोन को फिलहाल के लिए स्किप करके रेडमी नोट 9 का वेट कर लेना चाहिए। अगर नोट 9 आपको 10,000 रुपीज़ में 464 मिल जाता है, या फिर अगर 11,000 तक भी आ जाता है, जो कि मुझे लगता है कि 11 से नीचे ही आएगा, तो बहुत अच्छी डील होगी आपके लिए। बाकी आपका क्या है विचार नीचे कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर, कोई भी अगर आपका डाउट होगा वो नीचे ड्रॉप करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर चाहिएगा मत, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।